हेलो फ्रेंड्स, योयो रेसिपी से मैं प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का सालन। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बड़ी हरी मिर्च 15 से 16, भुनी हुई मूँगफलियाँ आधा कप, तिल एक चौथाई कप, कसा हुआ सूखा नारियल एक चौथाई कप, खसखस 2 बड़े चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5 से 6, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 4 से 5, तेल 1/4 कप, सरसों के दाने 1 बड़ा चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 12, प्याज का पेस्ट 1 कप, देगी मिर्च 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिए की पत्तियां कटी हुई 1/4 कप, इमली 1 नींबू के साइज़ के समान। तो आइए अब हम मिर्ची का सालन बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमने हरी मिर्च ली है, इनको हम बीच में से एक कट लगा के इनको हम साइड में रख लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे और ये हम सभी मिर्च को इसी तरीके से काट के हम रख लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे और गैस हम ऑन कर देंगे। गैस को हम लो पे ही रखेंगे और अब हम इसमें तिल डालकर इनको अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आने लग जाती और इनका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारे तिल भुन गए हैं अच्छे से, इसमें अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें ये हमने कसा हुआ सूखा गोला भी डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमारा गोला भी अब अच्छे से भुन गया है और अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें खसखस को डालकर इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हमारी खसखस भी भुन गई है और अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें जीरा डालकर उसको भी अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से क्रैकल नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा जीरा अच्छे से भून गया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल के उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, हमारा धनिया पाउडर भी अच्छे से भून गया है और अब हम इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम वो सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे जो अभी हमने भुने हैं। और अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफलियां भी डाल देंगे। और इसमें हम जो हमने साबुत लाल मिर्च ली है उन्हें भी हम डाल देंगे इसमें। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से पीसेंगे, जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखिए, हमने सब चीज़ों को पीस के अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस हम ऑन कर देंगे और इसमें हम ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे। ये देखिए, हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया है और अब हम इसमें मिर्ची को डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इन्हें एक थोड़ा हल्का पकने तक हमें इनको फ्राई करना है।
ये देखिए हमारी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची हुई मिर्च को भी हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। और अब हम कढ़ाई में जिसमें हमने मिर्च को तला था उसी ऑयल में अब हम मस्टर्ड सीड डालेंगे और उसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रैकल नहीं हो जाते। और अब हम इसमें करी पत्ता भी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारे सरसों के दाने अच्छे से क्रैकल हो गए हैं और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट धीमी गैस पर पकाएंगे। ये देखिए हमारी प्यूरी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें देगी मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे और अब हम इसमें इमली की प्यूरी डालेंगे। इमली की प्यूरी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी इमली ली और उसे आधे घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था और फिर उसके बाद हमने उसको अच्छे से दबा दबा के उसको छलनी में से छान के उसका पेस्ट निकाल लिया। और अब हम इसे इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको और 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें जो हमने ग्रीन चिलीज को फ्राई करके रखा हुआ था उन्हें अब हम इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 मिनट और कुक करेंगे। ये देखिए हमारे मिर्ची के सालन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे एक बार चला के और अब हम इसमें धनिए की पत्तियां डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मिर्ची का सालन बनके तैयार है। आप इसे बिरयानी या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।